हेल्दी होता है बॉडी के लिए। और देखिएगा जब, चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमने निकाल लिया है इस तरीके से सोया, जिसकी जो फुलझड़ी होती है ना, पत्तियाँ ऐसे निकालनी है आपको, पत्तियाँ ऐसे, पत्तियाँ निकाल कर आपको अलग सूप ले हाथों में लगेगा, वो मिट्टी टाइप का होता है ना, बहुत अच्छे से धोना है, 3-4 बार धोना है आपको इसी तरीके से। जैसे मैं ज़्यादा सा पानी लेके स्टोर में करके इकट्ठा करके और उसको बार बार ही वॉश करना, 3-4 बार बन के नहीं खाते, मतलब काट के आलू बनाओ ना तो नहीं काटते, उबाल के खाते, तो बच्चे को बहुत स्वाद के खाते। 5 मिर्च ली थी, हरी मिर्च और 2 टमाटर कर लिया, कट लिया, ठीक है, कर लिया। ब्लैक टमाटर ली हमने, तो हमने बारी बारी चॉप कर लिए। अब इस जैसे आपने 2 करने हैं 4 करने हैं जैसे आप ये कर सकते हैं। वही हम यूज़ करते हैं, कोई और रिफाइंड वगैरह में नहीं खाया जाता है। हम थोड़ी सी लहसुन भी कर लिया, ये लहसुन भून जाए, भून जाए तो आपको टमाटर और हरी मिर्च छोड़ना है। नमक डालेंगे क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टमाटर जल्दी गल जाते हैं, नमक डाल देते हैं इसे भूनने के लिए। अब हम छोड़ देंगे इसके अंदर सोया, इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे, जिससे सोया ने कुछ नहीं डाले हैं। अभी हम इसको पहले गलाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी हल्दी अब डालेंगे हम, थोड़ा गल गया साग, गरम मसाला थोड़ा, बहुत थोड़ा डालना है गरम मसाला, तो ज़्यादा नहीं डालना है बिल्कुल भी। थोड़ा पिसा हुआ धनिया, थोड़ा नमक, नमक आप सही से डालें, क्योंकि आपने पहले, मैंने पहले भी डाला हुआ है, तो उस हिसाब से डालें कि बराबर हो जाए। भाई जब सब्जी बन गई है, मतलब अपना तेल छोड़ दिया उसने, तो मतलब सब्जी बन गई, थाली रेडी है। अब आपको चाहे मक्के की रोटी के साथ खाएं, चाहे गेहूं की रोटी के साथ खाएं, चाहे आप बाजरे की रोटी के साथ खाएं, बाजरा मक्के की रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत स्वाद लगेगी। आप एक बार ट्राई करें, और अगली बार आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मक्के की रोटी कैसे बनाएं जो आपके फटे नहीं। भाई कैसा लगा मेरा वीडियो, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे मेरा